नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है और YouTube के टेक्निकल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर में पावर सेवर कैसे स्टार्ट करें, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, इसके पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उससे यहाँ क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के बारे में फ्री में जानकारी मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आपको स्टार्ट में जाना है और इसके बाद कंट्रोल पैनल पे चल जाना है। हम डायरेक्टली भी कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं। इसके बाद आपको सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। ये देखिए, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद आपको पावर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप पावर ऑप्शन में जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन बता रहा है, जो कि है बैलेंस और हाई परफॉर्मेंस और तीसरा है पावर सेवर। तो अभी मैंने इसे हाई परफॉर्मेंस पे रखा है, तो आप इसे पावर सेवर पे क्लिक कर दे। पावर सेवर क्या होता है कि अपने कंप्यूटर पावर सेव करता रहता है, मतलब डिस्प्ले इसका ऑटोमेटिकली 5 मिनट बाद अभी ऑफ हो जाएगा और पुट द कंप्यूटर टू स्लीप 50 मिनट, मतलब पावर सेव होती रहेंगी। 15 मिनट बाद ही कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आप इसकी सेटिंग यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 1 मिनट कर देते हैं, ऐसे कुछ भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे ऐसे रहने देता हूँ। इसके बाद चेंज एडवांस पावर सेटिंग में भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, जिससे आप यहाँ से उसकी सेटिंग्स बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे ऐसे रहने देता हूँ और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। और आप देखेंगे कि अभी पावर सेवर पे मेरा कंप्यूटर आ गया है। हम इसे फिर से कट करके फिर से ऑन करके देखते हैं कि वैसे का वैसा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये पावर ऑप्शन पे गए और आप देखेंगे कि यहाँ पे पावर सेवर पे मेरा कंप्यूटर अभी है। तो ऐसा सिंपल तरीका है दोस्तों, जिससे आप अपने कंप्यूटर को पावर सेवर पे आराम से लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आप हमारे YouTube चैनल को यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे नए वीडियो रोजाना फ्री में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।